तो दोस्तों जानते हैं इमेज मेनू के अंदर जो बाकी के ऑप्शंस हमारे बचे हुए उनके बारे में। तो पहला जो है ऑटो टोन, जैसा कि इसके नाम में ही छुपा है, ये अपने आप से कलर मैनेज कर लेगा। फ़ोटो में जो कलर्स है उसकी टोनिंग अपने आप से मैनेज कर लेगा। उसी तरह से ऑटो टोन, ऑटो कॉन्ट्रास्ट और ऑटो कलर, ये तीन ऑप्शंस हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने ऑटो टोन पे क्लिक किया है और इमेज यहाँ पे ब्राइट हो गई है। बस यही इसका ऑटो टोन का यूज़ है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ऑटो कॉन्ट्रास्ट। इसको भी हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से वापस इसके कलर इमेज के अप हो गए हैं, जबकि पहले वाली इमेज इस तरह से थोड़ी डार्क थी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑटो कलर। यहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो इमेज में है अपने आप से थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं। तो अगर आपको इस टूल का यूज़ करना है, जो कि फ़ोटोशॉप का खुद मतलब अपने मन से अपने हिसाब से ही वो कलर्स मैनेज कर लेगा, कॉन्ट्रास्ट मैनेज कर लेगा या इमेज की टोनिंग मैनेज कर लेगा, तो इन सब चीज़ों के लिए तीन चीज़ों का, ये तीन जो ऑप्शंस है इनका यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट आता है इमेज साइज़। इमेज साइज़ एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। जैसे आप इमेज साइज़ पे क्लिक करोगे इस तरह का बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो पॉपअप बॉक्स है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे पिक्सल डायमेंशंस लिखा है, तो यहाँ पे 1 MB इस तरह का पिक्सल डायमेंशंस इमेज की साइज़ यहाँ पे इतना बता रहा है। उसके नीचे आता है विथ, तो फाइल की विथ पिक्सल्स में या फिर परसेंट में, ये दो चीज़ों में यहाँ पे आप ऑटो देख सकते हो। मतलब एक ग्राफ में यहाँ पे इसी तरह से रहेगा, आप पिक्सल्स में तो काम करोगे नहीं क्योंकि एक पिक्सल बहुत ही छोटा होता है, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े फिगर्स लिखने पड़ेंगे तो ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो इसलिए हम एक्चुअली क्या है, पिक्सल्स में काम नहीं करते। आप चाहो तो परसेंट में कर सकते हो, यहाँ पे इमेज के 100% रहती ही है, तो आप यहाँ पे 150% कर सकते हो, 200% कर सकते हो। तो इमेज की साइज़ एकदम से इसके अकॉर्डिंग 1.5 गुना या फिर डबल हो जाएगी। तो आप इस तरह से यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो पिक्सल या परसेंट। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ भी कुछ छेड़छाड़ ना करें। आप ये जो डॉक्यूमेंट साइज़ लिखा है, आपको जो भी साइज़ करनी है वो यहीं से करें। यहाँ पे इंचेस ये सब मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। पिक्सल्स और पिक्सल्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि पिक्सल ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर है ही, तो इसमें पिक्सल की साइज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे परसेंट है, इंचेस है, सेंटीमीटर, MM, पॉइंट, पिकास और कॉलम्स। फिर जैसा कि हम न्यू डॉक्यूमेंट्स लेने के टाइम मैंने आपको बताया था कि हमको इंचेस में काम करना है, क्योंकि इंचेस में हम एकदम परफेक्टली और थोड़ा कैलकुलेशंस कम करने पड़ेंगे हमको इंचेस में अगर काम करेंगे तो इसलिए हम इंचेस को चूज़ करते हैं। इसके आगे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे विड्थ बढ़ा सकते हो आप, बढ़ाया घटा सकते हो, यहाँ से हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ पे इसका रिजोल्यूशन कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि फाइल अभी 72 पिक्सल्स पर इंच में है, तो यहाँ पे आप जो भी चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप 150 या मैक्सिमम 300 से ऊपर नहीं जाए क्योंकि बहुत बड़ी फाइल हो जाती है। तो 150 बेटर ऑप्शन है कि आपकी फाइल ज़्यादा बड़ी भी नहीं रहेगी और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ के नीचे जो दो ऑप्शंस है जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज़ अगर मैं ऑप्शन बंद कर देता हूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है लिंक का एक सिंबल दिया हुआ है वो बंद और चालू हो जाता है। देखिए, इसका मीनिंग क्या है कि ये ऑप्शन अगर मैंने स्टार्ट रखा है तो मैं इमेज की साइज़ अगर मैं यहाँ पे समझ लो 15 करता हूँ, 15 करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ नीचे हाइट में भी अपने आप से बढ़ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे 20 करूँगा तो उसके हिसाब से नीचे हाइट में भी साइज़ बढ़ चुकी है। ये ऑप्शन अगर मैंने बंद रखा तो मैं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैं ये ऑप्शन बंद रखता हूँ और इसको 10 कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 10 किया तो भी नीचे की साइज़ हाइट की बढ़ी नहीं, यहाँ पे 15 किया मैंने तो भी यहाँ के नीचे की साइज़ बढ़ी नहीं। मीन्स क्या है कि अगर ये ऑप्शन शुरू रहेगा, स्टार्ट रहेगा, तो आपकी इमेज चारों साइड में इक्वल बड़ी हो जाएगी या फिर इक्वल छोटी हो जाएगी। और अगर ये ऑप्शन बंद रहा तो आपने अगर विड्थ में कुछ चेंज किया है, इसको एक बार ओके भी करके देख लेते हैं, तो आप देख सकते हो इसके खाली विड्थ ही चेंज हुई है, हाइट जो है वो जैसी थी वैसी ही रहेगी। फिर इसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन है वो है रिसैम्पल इमेज। रिसैम्पल इमेज में देखिए इतने सारे ऑप्शंस हैं। अभी ये सब प्रीसेट्स
प्रीसेट्स करके प्रीसेट्स दिए हुए हैं फोटोशॉप की तरफ से कि आप इमेज को किस तरह से इनलार्ज करना चाहते हैं या फिर छोटा करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। जैसे आप नियरेस्ट नेबर है तो इसमें क्या होगा, एज इट इज़ फाइल आपकी जैसी है वैसी ही बड़ी छोटी हो जाएगी, लेकिन नीचे के जो ऑप्शन है इसमें इमेज में थोड़ा ब्लरनेस आ जाएगा। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक नई फाइल ले लेता हूँ 1 इंच बाय 1 इंच की, और इसमें मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। अभी देखिए कि इसकी प्रिंट साइज़ है, प्रिंट साइज़ में तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल और स्मूथ लगता है, लेकिन जब मैं इसे जूम करूँगा तो आपको यहाँ पे हल्का हल्का एजेस में एक स्टेप स्टेप जैसा एक टेक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर हम करेंगे इसको इमेज साइज़ में जाके 10 इंच बाय 10 इंच, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे नियरेस्ट नेबर। तो हमने ओके कर दिया। अब इसकी प्रिंट साइज़ देख लेते हैं। देखिए इसकी प्रिंट साइज़ में भी अभी 10 इंच की फाइल बड़ी हो चुकी है, लेकिन प्रिंट साइज़ में हमको अभी भी इसमें ऐसे सब स्टेप स्टेप देखने को मिल रहे हैं। वो क्यों आए, क्योंकि हमने जब इसकी इमेज साइज़ बढ़ाई तब हमारा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन शुरू था, ठीक है, इसलिए ये हुआ। अगर हम ये ऑप्शन शुरू नहीं रखे, कोई दूसरा ऑप्शन रखे तो क्या होगा। तो मैंने कंट्रोल सेट करके वापस इस रेगुलर फाइल में आ चुके हैं। अभी आप देख सकते हो इसकी साइज़ 1 बाय 1 इंच ही है। अभी मैं इसको वापस 10 इंच बाय 10 इंच कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, ये वाला, और ओके कर देते हैं। देखिए अपनी फाइल इनलार्ज हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हो अभी है ना, स्टेप्स तो आई है लेकिन यहाँ पे इस तरह का ब्लर इफेक्ट भी आया हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपको एकदम स्ट्रेट कट स्टेप्स ऐसी चाहिए हो, एकदम शार्प चाहिए हो उसकी एजेस, तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ नीचे वाले जो सभी ऑप्शन हैं इनमें थोड़ा बहुत ब्लर हो जाता है। अभी हम एक ये जो ऑप्शन है बेस्ट फॉर इनलार्जमेंट वाला, ये बिक्यूबिक स्मूथर करके है, इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि इसको अगर सिलेक्ट रखेंगे तो क्या होगा। तो वापस मैं इसको कंट्रोल अल्ट्रा जेड कर रहा हूँ। देखिए अपनी फाइल वापस 1 बाय 1 इंच की बन चुकी है। अब हम इसको वापस 10 इंच में करेंगे, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ये वाला ऑप्शन। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो जैसे ही आप फाइल को छोटा करके देखोगे तो देखिए इसमें भी है ना थोड़ा ज़्यादा ब्लर आ चुका है। मीन्स के अगर आप यही सब वो नीचे वाले 3-4 जो ऑप्शंस हैं उनका यही सब यूज़ है। तो बेसिकली इमेज साइज़ का यूज़ अपने अकॉर्डिंग इमेज को बड़ा या छोटा करने में होता है। तो इसके आगे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कैनवास साइज़। तो मैं इस फाइल को अभी बंद कर देता हूँ। अभी हम देख लेते हैं कैनवास साइज़। अब इसको इस तरह से समझते हैं कि जैसे ये पेंटिंग जो है, ये जब पेंटिंग नहीं थी इसके ऊपर या फिर ये जो पिक्चर नहीं थी तब क्या था, तब एक ब्लैंक पेपर था। जैसा हम यूजुअली न्यू करके एक फाइल लेते हैं और उसको ओके कर देते हैं, तो आप देख सकते हो इधर वाइट कलर में जैसा आता है वैसा ही एक वाइट पेज था। मीन्स ये इमेज अगर नहीं रहेगी इसके ऊपर तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे बैकग्राउंड कलर, और वो जो बैकग्राउंड कलर है वाइट वो क्या चीज़ का है, उसे कहते हैं कैनवास का कलर। मीन्स अगर मैं इतना पार्ट सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट दिखेगा। मीन्स वाइट कलर का कैनवास अभी इस इमेज के नीचे है। फिर अभी हमको अगर ये वाइट एरिया एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं इमेज में कैनवास साइज़। यहाँ पे देखिए मैं 10 इंच बाय 10 इंच अगर करूँगा तो ये वाइट एरिया चारों साइड से बढ़ चुका है, ठीक है। मीन्स अपनी जो इमेज थी उसके बैकग्राउंड का जो कलर था वाइट कलर या फिर बैकग्राउंड, वो आपका एक्सटेंड हो चुका है 10 बाय 10 इंच करने के बाद। फिर इसको कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं। अभी देखते हैं नीचे जो आप एरोज़ देख रहे हो हर तरफ, तो वापस इसको 10 इंच बाय 10 इंच कर देते हैं। अभी हमको कैनवास साइज़ बढ़ानी है, बट चारों साइड नहीं, किसी पर्टिकुलर एरिया में या फिर पर्टिकुलर कॉर्नर में हमको बढ़ानी है। तो यहाँ से आप जो भी चाहिए वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरी इमेज जो है वो टॉप लेफ्ट एंगल में वहाँ पे अपनी इमेज सेट रहेगी, और अदर साइड कैनवास की साइज़ बढ़ेगी। इसको अपन करके देखते हैं। तो मैं इसको ओके करूँगा तो आप देख सकते हो कि इमेज मेरी
टॉप राइट टॉप लेफ्ट साइड में रह चुकी है और आजू बाजू जो है दूसरी साइडों में वहाँ पे वाइटनेस बढ़ चुकी है। तो यही सब ऑप्शंस है अंदर जो आप अपने अपने अकॉर्डिंग कैनवास साइज़ कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप कैनवास साइज़ कम भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखिए मैं भी अपने ओरिजिनल इमेज में वापस आया हूँ, फिर हम अगर 8x8 इंच की जगह पे 7x7 इंच कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए चारों साइड से रिड्यूस हो जाएगी। ओके कर देते इसको, फिर एक बार अपने को पूछेगा कि आपका कुछ एरिया जो है वो गायब हो सकता है, अपने जो इमेज में जो दिखता है वो एरिया गायब हो जाएगा। फिर आप इसको प्रोसीड कर देंगे तो देखिए आप इमेज की कैनवास साइज़ छोटी हो गई है, इसका मतलब इमेज एक तरह से क्रॉप हो गई है। ये सब चीज़ों के लिए कैनवास साइज़ का यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है इमेज रोटेशन। तो सिंपली इसका यूज़ वही है, आप पूरे की पूरी इमेज को रोटेट कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने पहले एडिट में देखा था, एडिट में जो ट्रांसफॉर्म का फ्री ट्रांसफॉर्म का एक टूल था, एक ऑप्शन था, जिसकी वजह से हम वही एरिया सिर्फ रोटेट कर सकते थे जो कि सिलेक्टेड हो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्शन ले लिया, इसको हम कंट्रोल टी कर देते तो इस तरह से सिर्फ वही एरिया रोटेट होता है जो सिलेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे जो इमेज के अंदर है इमेज रोटेशन, इसके थ्रू आप पूरी इमेज को एक साथ रोटेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 180 डिग्री हो चुका है, मैं इसको वापस इमेज रोटेशन में जाके 180 डिग्री करूँगा तो ये सीधी हो गई इमेज। फिर आप इमेज रोटेशन में जाके 90 डिग्री लेफ्ट या 90 डिग्री राइट भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से जो ऑप्शन है आर्बिट्राई, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल में भी आप इसको रोटेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 45 कर देता हूँ और ओके कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि पूरी इमेज एक 45 डिग्री एंगल में रोटेट हो चुकी है। अभी यहाँ पे अपने आप ये वाइटनेस आ चुकी है क्योंकि अपनी जो भी इमेज यहाँ पे फोटोशॉप में बनती है वो स्क्वायर फॉर्म में बनती है, और जैसे कि इमेज रोटेट हो गई है तो उसका जो वाइटनेस वाला एरिया है वो यहाँ पे कवर करने के लिए बढ़ जाएगा, इसलिए ये सब वाइटनेस में दिख रहा है। इसको कंट्रोल अल्ट ज़ेड कर देते हैं। फ्लिप कैनवास हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये भी चीज़ें हैं। हॉरिजॉन्टल करोगे तो ऐसे होगा और वर्टिकल करोगे तो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये सब इमेज रोटेशन में ऑप्शंस है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है क्रॉप। क्रॉप एक्चुअली हम लोगों ने एक टूल भी देखा था क्रॉप, ठीक है। इससे आप क्या करते थे, इस तरह से सिलेक्ट करते थे और एंटर करते थे तो जितना एरिया सिलेक्ट है वो क्रॉप हो जाता था। तो अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो यहाँ पे एक दूसरा भी ऑप्शन है आपके पास। आप यहाँ पे इस तरह से कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी पार्ट आप इमेज में से सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी टूल से कर सकते हो आप। ज़रूरी नहीं कि इसी टूल से हो, लासो से भी कर सकते हो, मैजिक वन टूल से भी कर सकते हो। फिर आपको सिलेक्ट करने के बाद सिंपली इमेज में जाके क्रॉप के ऊपर क्लिक कर देना है तो उतना एरिया क्रॉप हो जाता है, बस यही इसका यूज़ है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज में ट्रिम। तो देखिए आप ये जो इमेज मेरी यहाँ पे ओपन देख रहे हो, यहाँ पे जो वाइटनेस आप देख सकते हो, इधर बहुत सारा वाइटनेस है आजू बाजू। तो अगर मैं इमेज में जाके सिंपली ट्रिम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे पूछता है टॉप लेफ्ट, पिक्सल कलर, बॉटम राइट, तो ये सब ठीक है, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अगर मैं समझ लो टॉप का ऑप्शन हटा देता हूँ और इसको ओके कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि टॉप का कलर वाइट रह गया है, बाकी की सब जगह का निकल चुका है। बस ट्रिम से आप यही सब कर सकते हो। अगर मैं ट्रिम वापस करता हूँ और अभी क्या करते हैं, हम चारों ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं तो आप देख सकते हो पूरा वाइटनेस निकल चुका है। तो ट्रिम का यही यूज़ है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट। अभी जैसा कि इसके नाम में ही डुप्लीकेट है तो आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो इसी इमेज का एक डुप्लीकेट दूसरा इमेज बन जाएगा जिसके नाम के आगे कॉपी लिखा हुआ आ जाएगा। आप इसको सिंपली ओके कर देना है और आप देख सकते हो एक दूसरी इमेज यहाँ पे बन चुकी है जिसका नाम सेम है बट यहाँ पे एक कॉपी का एक टैग पीछे से लग चुका है। ओरिजिनल इमेज में अपनी ये है नहीं और दूसरी इमेज में एक कॉपी का एक लग के आया है। तो चलिए जानते हैं हमारा नेक्स्ट ऑप्शन अप्लाई इमेज। अप्लाई इमेज में आप देख रहे हो यहाँ पे एक सोर्स करके लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सोर्स में वही फाइल का नाम है जो हमारी यहाँ पे ओपन है, तो इसी फाइल्स को हमको इसी फाइल्स में अप्लाई करना है इसी इमेज को। तो किस तरह से होगा, तो यहाँ पे देखिए अगर कोई दूसरा लेयर रहता तो आप यहाँ से लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ हमारी फ़ाइल में अभी एक ही सिंगल बैकग्राउंड लेयर है तो आप बैकग्राउंड लेयर भी सिलेक्ट कर लिया, तो हमने बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट कर लिया है। फिर चैनल आप जो चाहिए वो रेड, ग्रीन, ब्लू वो भी सिलेक्ट कर सकते हो,
लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे RGB ही रखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे जो हम ऑप्शंस देखते थे, यही सब ऑप्शंस आप टूल्स में भी देखते थे। यहाँ पे जो सिलेक्शन टूल्स हैं, इन टूल्स में भी यहाँ पे ये सब ऑप्शंस आते ही थे। यही सब ऑप्शंस आपको इधर भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं अगर कोई न्यू लेयर लेता हूँ फ़िलहाल, तो देखिए यही सब ऑप्शंस नॉर्मल, डिसॉल्व, ल्यूमिनोसिटी तक के यही सब ऑप्शंस आपको इधर भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको करके देखते हैं। मैं यहाँ से ये लेयर वन पहले डिलीट कर देता हूँ, फिर यहाँ पे अपना सिर्फ बैकग्राउंड रहेगा। फिर हम जाते हैं इमेज में, अप्लाई इमेज में, और यहाँ से हम नॉर्मल मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई मैंने किया, इस तरह की इफ़ेक्ट आ गई है। फिर हम नीचे की एरो की सिंपली प्रेस करेंगे तो नीचे नीचे वाली इफ़ेक्ट आती रहेगी, लाइटन डार्कन। मीन्स आपको किसी भी इमेज को, जैसे हम मोबाइल के अंदर फ़ोटोज़ को फ़िल्टर देते हैं, उसी टाइप के सब फ़िल्टर्स यहाँ पे ये अवेलेबल है, जो हम अप्लाई इमेज के अंदर अपनी इमेज को दे सकते हैं। यहाँ से आपकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर 50% करूँ तो इमेज मेरी थोड़ी नॉर्मल जैसी दिखेगी, ज़्यादा डार्क नहीं दिखेगी। फिर मैं यहाँ पे अगर 100% करूँ तो इसकी इंटेंसिटी पूरी हो जाती है, जो भी इसकी ओपेसिटी है वो एकदम डायनेमिक रेंज पर रहेगी। इसको देखिए 50% करेंगे तो कम हो जाती है इफ़ेक्ट, 100% करोगे तो ज़्यादा हो जाती है। बस यही सब चीज़ों के लिए, ये सब इफ़ेक्ट्स इमेज को अप्लाई करने के लिए अप्लाई इमेज का यूज़ होता है। तो इसको ओके कर देते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो इमेज में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कैलकुलेशंस। अभी कैलकुलेशंस में जो अप्लाई इमेज के अंदर जो चीज़ें थी वही सब चीज़ें हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर आप कैलकुलेट करके हर चीज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर रेड ग्रीन जो भी आपने कलर सिलेक्ट किया है, ठीक है, ब्लू, फिर इसको इन्वर्ट अगर आपको करना है कोई कलर को, जैसे यहाँ पे चैनल्स में आप ये सब कलर देख पाओगे, ठीक है, RGB रेड ग्रीन और ब्लू, ग्रे भी है, इसको भी आप इन्वर्ट या फिर ओरिजिनल कर सकते हो। फिर बैकग्राउंड के अंदर वापस यहाँ पे भी है, दूसरी भी एक सोर्स में दूसरी भी एक इमेज बता रहा है, यहाँ से आप कोई दूसरी इमेज भी इसके ऊपर इसी तरह से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लाई डार्कन ये सब ऑप्शंस इधर भी है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये सब चीज़ प्रैक्टिकल करके देखें कि किस तरह की इफ़ेक्ट्स आप इमेज में दे सकते हो, तो आपको ये कैलकुलेशंस वगैरह ये भी पूरा समझ में आ जाएगा। इस तरह से इमेज के अंदर के जो मेन सब ऑप्शंस थे वो हमने कवर कर लिए हैं। ये सब ऑप्शंस हमको कुछ ज़रूरी नहीं लगने वाले, इसके लिए इनको अभी स्किप कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेयर और सिलेक्ट के बारे में। ओके, टिल देन गुड बाय।